हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी मिक्स साग। तो देख सकते हैं ये पालक है। पालक मैंने लिया हुआ है 2 बंच, तो जिसे मैंने काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। ये है चने की साग। चने की साग 250 ग्राम है, जिसे मैंने कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। देख सकते हैं ये है बथुआ की साग, तो ये भी 250 ग्राम है, इसे भी मैंने कट करके वॉश कर लिया अच्छे से। अब चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। अब क्या करूँगी, साग को कुकर में डालूँगी। तो सबसे पहले मैं पालक वाले साग को डालूँगी। ठंड में ना हरे हरे साग आने लगते हैं मार्केट में, तो ज़रूर खाना चाहिए, बहुत पौष्टिक होता है ये। तीनों साग को मैं अच्छे से डाल दूंगी एक ही साथ। अब ये गया चने की साग। अब डाल रही हूँ बथुआ वाली साग। ये मिक्स साग ना इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसे कुछ भी नहीं करना है, पानी उन्हें नहीं डालना है। देख सकते हैं मैंने गैस में कुकर को चढ़ा दिया है। अभी ना इस तरह से ढक्कन को रख दूंगी, थोड़ा सा सॉफ्ट होकर के कम होगा ना साग, उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। देख सकते हैं मैंने कुकर को बंद कर दिया है, 2 सीटी लग चुका है। अब ये 3रा सीटी है, तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुकर को खोल दिया है। मैंने साग में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, फिर भी देखिए साग पानी को रिलीज़ कर दिया है। साग में खुद पानी होता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साग ना काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। देख सकते हैं यहाँ पर पैन गर्म हो गया है, तो मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, साथ ही डालूंगी थोड़ा सा हींग। मैंने लिया है थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, सभी को अच्छे से चॉप कर लिया है। इन सभी को डाल दूंगी। और इसे ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। मैंने लिया एक टमाटर, बारीक चॉप कर लिया इसे, तो इसे डाल दूंगी अभी। साथ ही डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो सके। मिक्स कर दूंगी। बस 1-2 मिनट टमाटर को कुक करूँगी अभी। देख सकते हो मैंने टमाटर को 1-2 मिनट ही फ्राई किया है। अब मैं क्या करूँगी, साग को डाल दूँगी।
पानी के साथ ही डालना है सबको, पानी को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सारा विटामिन प्रोटीन सारा इसमें पानी में है, इसके पानी नहीं है। तो देख सकते हो मैंने साग का पानी के साथ ही इसे डाल दिया है। अब इसे ना ढककर फिर से कुक करूंगी इसका पानी सूखने तक, ढक दूंगी इसे। मैंने ना ढककर 5 मिनट कुक किया है साग डालने के बाद। तो देख सकते हैं ये साग का खुद का पानी है, मैंने थोड़ा सा भी पानी साग में नहीं डाला है। तो ये जो पानी है ना इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। तो ये जो मैं अक्सर ऐसे साग बनाती हूँ ना, तो ये जो पानी है मैं कप में निकालती हूँ और अपने बच्चे को देती हूँ, वो खुशी खुशी पी लेते हैं। तो इसमें से ना जितना पानी निकलेगा मैं निकाल लूँगी। इस तरह से और बहुत टेस्टी लगता है ये पानी पीने में। देखिए इतना निकला, अभी और निकलेगा बट मैं नहीं निकाल रही हूँ, अब इसे ढक देती हूँ। तो देख सकते हैं ढककर मैंने इसे 25 मिनट कुक किया है। एक कप पानी मैंने निकाला था साग से, थोड़ा सा पानी और बचा हुआ है। तो अच्छे से इसे ड्राई करना है और बीच बीच में ना इस तरह से मिक्स करते हुए चलाना है ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए इस तरह से। ढक दूंगी इसे। तो देख सकते हैं साग में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऑलमोस्ट साग बन चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे ना प्लेटिंग कर लूँगी। देख सकते हो साग को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरह से आप साग बनाओगे ना तो सुपर टेस्टी लगने वाला है। और साथ ही मैं एक और टिप देना चाहूँगी आपको कि जब भी आप साग खाओ ना तो जितना आपको खाना है उतना ही में कच्चे सरसों का तेल मिक्स करके खाना, इसका टेस्ट ना जस्ट डबल हो जाएगा। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें मिक्स साग की रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।